हेलो हिपहॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ तलहा यूनिस के बारे में। तो तलहा यूनिस का जो ट्रैक ड्रॉप हुआ था एक हफ्ते पहले जिसका नाम था हाथ बांध, वो अभी यूट्यूब पे क्रॉस कर चुका है 500 के व्यूज। साथ ही एमिवे के बारे में बात कर ली जाए तो एमिवे का जो कड़क बंद ट्रैक है वो 4 मिलियन स्ट्रीम्स क्रॉस कर चुका है स्पॉटिफाई पे। और साथ ही एमिवे का एक और ट्रैक है लीन ऑन, वो भी 5 मिलियन स्ट्रीम्स क्रॉस कर चुका है स्पॉटिफाई पे। तो एमिवे की बात हो ही रही है तो एमिवे की जो ढूंढ के दिखाई ईपी है उसका एक ट्रैक है जिसका नाम है ग्राइंड, उसका म्यूजिक वीडियो ड्रॉप हो चुका है जिसका पोस्टर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो और म्यूजिक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कैसा लगा इसका म्यूजिक वीडियो बता सकते हो, गाना तो आप लोगों ने पहले सुन लिया होगा। तो अगली खबर जो है वो स्टार निक की साइड से। तो स्टार निक ने अपने इंस्टा पे एक Q&A रखा था जिसमें उनसे पूछा जाता है उनके रीसेंट ट्रैक के बारे में जिसका नाम है नारी, जो कि एक डिस ट्रैक भी है RCR के लिए। सॉन्ग का नाम नारी नहीं था, पहले सॉन्ग का नाम देवी था बट वो नारी में चेंज किया। और उसका रीजन ये भी था कि मुझसे बहुत बार बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बोली है, शो के लोगों ने एंड रिलेटेड लोगों ने, कि लड़की है चुप रहे मत। फर्स्ट का आंसर है नो, बट सेकंड का लेट्स सी इफ ही स्पीक्स द ट्रूथ देन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर झूठ बोला तो फिर तो आई स्टिल हैव लॉट्स ऑफ फैक्ट्स, तो बिल्कुल आएगा गाना। तो अब बात कर लेते हैं लोका और कृष्णा के बारे में। तो जैसे कि कल मैंने आप लोग को बताया था कि कृष्णा की तरफ से कुछ ट्वीट्स आए जो कि इनडायरेक्टली है लोका के लिए, तो कृष्णा का फिर से एक ट्वीट आता है और कृष्णा कुछ ऐसा लिखता है, लेड इन द स्ट्रीट्स बट अ फ्रीक इन द ट्वीट्स। तो आज लोका उसका रिप्लाई करते हैं और कुछ ऐसा लिखते हैं, ट्विटर फिंगर्स ये लोग खुद सामने आने पे बीफ को हैंड शेक करके खत्म कर देते हैं और अपनी आवाम को टोप्स देते हैं, ट्रांसलेटेड हिप हॉप लिख के ओजी बोलते हैं, स्ट्रीट तो तू घंटा भी नहीं। तो अब बात कर लेते हैं इक्का और मॉब डी के बारे में। तो इनका एक कोलैबोरेशन आने वाला है बहुत ही जल्द और मॉब डी की तरफ से एक पोस्ट आती है जिसके कैप्शन में कुछ ऐसा लिखा हुआ था, मॉब डी और इक्का कौन कौन चाहता है ये वाला कोलैबोरेशन, इट वॉज ग्रेट प्लेजर टू मीट माई बिग ब्रदर, कमिंग विद समथिंग डोप रियल सून। तो ये कोलैबोरेशन काफी जल्दी देखने को मिलने वाला है और आप लोगों ने इक्का के अगर रिसेंट के इंटरव्यूज देखे होंगे तो उसमें काफी जिक्र करा उन्होंने मॉब डी का। तो ये ट्रैक काफी तगड़ा होने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि मॉब डी के जिस टाइप के ट्रैक्स होते हैं वैसा कुछ देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं DMC और MC अल्ताफ के बारे में। तो इनका भी ट्रैक आउट हो चुका है जिसका नाम है पीस ऑफ माइंड और ये आप लोगों को DMC के YouTube चैनल से देखने को मिलेगा। अगली खबर जो है वो हरजस की साइड से। तो हरजस की तरफ से एक स्टोरी आती है जिसमें वो लिखता है, फक द इंडस्ट्री, मैं जो करता हूँ अपनी मर्जी के साथ करता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं MC हीम के बारे में। तो MC हीम की तरफ से कुछ स्टोरी आई है और साथ ही उन्होंने एक बिग अपडेट भी दिया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, 2 years back I updated this future, so today I am shooting my next music video for Universal, इसीलिए म्यूजिक डिले हो रहा था क्योंकि ये प्लान चल रहा था। तो यूनिवर्सल से काफी जल्दी एक ट्रैक देखने को मिलने वाला है MC हीम का। तो अब बात कर लेते हैं बेला के बारे में। तो बेला की तरफ से एक स्टोरी आती है जिसमें वो लिखता है, डिस डू इट स्टैंड स्ट्रॉन्ग, बीफ बी एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग फ्रेंड्स, रैप रिमेंबर अबाउट पास्ट, रेस्ट एंड प्रे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पेन, बॉय इट्स नॉट जस्ट रिदम एंड पोएट्री। तो अगली खबर जो है वो हनी सिंह और गुरु रंधावा की साइड से। तो गुरु रंधावा की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें वो लिखता है, फर्स्ट टाइम एवर असली यो यो एंड गुरु ऑफिशियल कमिंग फॉर अ सॉन्ग टुगेदर, मेक सम एक्स्ट्रा नॉइज। तो हनी पाजी और गुरु रंधावा का बहुत ही जल्दी एक ट्रैक आने वाला है तो ऑब्वियसली ये टी सीरीज से देखने को मिलेगा, तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है ये, हाई बजट और बहुत ही तगड़ा म्यूजिक, तो वेट करते हैं इसके लिए। तो अब बात कर लेते हैं NF के बारे में। तो NF की जो मिक्स टेप है द क्लाउड्स मिक्स टेप, सो उसके एक गाने का म्यूजिक वीडियो ड्रॉप हुआ है और गाने का नेम है लॉस्ट और इसमें फीचरिंग है हॉपसिन की। तो आप लोग ये गाना जाके सुन सकते हो, काफ़ी सही लोकेशन पर शूट करा है वीडियो और मुझे काफ़ी सही गाना लगा ये, खास करके जो हुक पार्ट है वो बहुत ही अच्छा है। बाकी आप लोगों ने सुना तो बताना ज़रूर कि कैसा लगा आप लोगों को। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।